ब्लड में शुगर बढ़ने पर होती है हाथ पैरों में जलन, सब्जियों के ये जूस दिलाएंगे राहत। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों यदि हाथ और पैरों में जलन और सूजन है तो आप मधुमेह से ग्रस्त है, नहीं तो संभावितों की सूची में आ चुके हैं। अपना ये वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं। यदि आप या आपके परिवार में कोई इस समस्या से परेशान है तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और यदि ये वीडियो आप Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। स्वामी रामदेव के अनुसार शरीर के विभिन्न अंगों में होने वाली जलन के कई कारण हो सकते हैं। कई बार ब्लड शुगर बढ़ जाने या फिर न्यूरोपैथी के कारण भी जलन की समस्या हो सकती है। हाथ पैरों या फिर शरीर के विभिन्न अंगों में जलन की समस्या से अधिकतर लोग परेशान हैं। ये समस्या किसी भी मौसम में हो सकती है। स्वामी रामदेव के अनुसार शरीर के विभिन्न अंगों में होने वाली जलन के कई कारण हो सकते हैं। कई बार ब्लड शुगर बढ़ जाने के कारण, न्यूरोपैथी के कारण, बी कॉम्प्लेक्स की कमी के कारण, विषाक्त तत्व बढ़ जाने के कारण, पित्त अधिक बढ़ जाने से या फिर शरीर में एसिड की मात्रा अधिक बढ़ जाने के कारण इस समस्या का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, कई बार नमक का अधिक सेवन करने से भी शरीर में जलन की समस्या हो सकती है। शरीर के विभिन्न अंगों में होने वाली जलन को कुछ सब्जियों का जूस सेवन करके आसानी से कम किया जा सकता है। हाथों और पैरों में जलन की समस्या को कम करने के लिए पिए ये जूस। लौकी का जूस। लौकी में कई तरह के प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और जिंक अच्छा पाया जाता है, जो डायबिटीज को कम करने के साथ साथ कई बीमारियों से भी बचाता है। कद्दू का जूस। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन कद्दू के जूस से भी जलन की समस्या समाप्त हो जाती है। लेकिन ये सच है, कद्दू के जूस में विटामिन B1, B2, B6, विटामिन C, विटामिन E और बीटा कैरोटीन बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। इसके अलावा कद्दू के जूस में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की भी अच्छी मात्रा पाई जाती है, जिससे शरीर को डिटॉक्स यानी शरीर से विषाक्त तत्वों को बाहर निकालने में भी मदद मिलती है। पेठे का जूस। पेठा पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें विटामिन B1, B3 के साथ साथ कैल्शियम, सोडियम, जस्ता, लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज, तांबा, मैग्नीशियम, सेलेनियम और पोटेशियम जैसे विभिन्न खनिज भी शामिल होते हैं। इसमें पोटेशियम की उच्च मात्रा होने पर ये ब्लड प्रेशर की समस्या को कंट्रोल करता है। इसके साथ ही शरीर के विभिन्न अंगों में होने वाली जलन से भी निजात दिलाता है। आलू का जूस। अक्सर कहा जाता है कि आलू सेहत के लिए नुकसानदायक है, लेकिन आपको बता दें, शरीर में जलन को कम करने के लिए आलू बेहद कारगर है। इसलिए अगर आपको शरीर के किसी भी अंग में जलन की समस्या है तो आलू का रस पिए। नीम की पत्तियां। नीम की पत्तियों में एंटीबैक्टीरियल के साथ साथ एंटी इंफ्लेमेटरी गुण भी होते हैं, जो शरीर की सूजन कम करने के साथ जलन को कम करने में मदद करते हैं। इसके लिए आप नीम की पत्तियों को पीसकर उसका रस निकालकर पी सकते हैं। सहजन। विटामिन सी, विटामिन ए, कैल्शियम से भरपूर सहजन में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। इसके अलावा इसमें प्रोटीन, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की भरपूर मात्रा होती है। सहजन की फली के साथ साथ पत्तियों का सेवन करना भी लाभदायक होता है। इसके अलावा आप एलोवेरा, आंवला, तुलसी, हल्दी और मोरिंगा का रस भी निकालकर पी सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपके कुछ सुझाव है तो वो भी हमें बता सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। और यदि ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। जय हिंद दोस्तों। अगर आप ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना।